पर वो थोड़ी बहुत लूट जरूर उठा रहे हैं, वहीं पर स्काउट रॉक्स को नॉक करते हैं। आइजल हैज बीन टेकन डाउन। इसका यही मतलब बनता है कि कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ करने की शायद कॉल जा सकती है, डिपेंड करता है किस तरीके से बातें रहेंगी। बट लुक्स लाइक टीम एक्सपर्ट दे वांट टू गो फॉर अ हंट, दे विल गो फॉर अ हंट, जिसमें एक प्लेयर आगे की तरफ को जा चुका है। इनफैक्ट दो, मावी और गिल एक डायरेक्शन से यहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं। द मोलोटॉव वाज बीइंग थ्रोन डाउन बट वेल, उनके ऊपर थोड़े से शॉट्स आए थे। ये दोनों प्लेयर्स मिरामार में डेडली रहते हैं। गिल के जस्ट करीब एक नेड जरूर है, बट आई थिंक सो कि उनको वो नेड एसिस्ट टच करने वाले कि कुछ सही समय पर थोड़ा सा पीछे की तरफ को आ चुके हैं। देखते देखते ओडेसी की भी टीम यहां पर एलिमिनेट हो चुकी है, अलविदा कह चुकी है। डेथ नोट जस्ट सर्वाइविंग एट दिस एरिया, सोल के सारे प्लेयर्स जीवित है, बट अब ये फाइट होकर के रहेगी फिक्सेस, क्योंकि सर्कल जो है वो धीरे धीरे अब इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं कोने में लेकर के आ चुका है। मावी वो स्पॉटेड डाउन दो, डेथ नोट पीछे की तरफ को आ जरूर रहे, अपने आप को कवर में रखना चाहेंगे। या टीम सोल को पनिश करना पड़ेगा टीएक्स को इस तरीके के अग्रेशन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आए थे, ऑफकोर्स टीम सोल के पास वो हाई ग्राउंड था। अगर आप नीचे से आ रहे हो कैपिटलाइज ऑन दैट। आई थिंक मावी को डैमेज जरूर दिया, नॉक इज समथिंग दैट दे वुड हैव वांटेड। केल को स्पॉट आउट कर लिया यहाँ पे वीरू ने कंपाउंड से पहले, मेकिंग श्योर कि थोड़ा बहुत शिफ्ट डैमेज अगर कर पाए, बट देयर यू हैव इट। अगर नजर हटती है तो केल आपको पनिश करते हैं, देयर ही गोस डाउन। वीरू एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है टीम सोल का इस समय, और उनका डाउन होना कहीं ना कहीं टीम एक्सपाक के लिए एक अच्छी खबर बन जाता है। इस प्लेयर को बचाने शायद ना आए टीम सोल इस समय, क्योंकि आपको पता है वहां पर जाना भी एक बहुत बड़ा खतरा है। एंड इंस्टेंटली मावी